बस्तर दशहरा में आज भीतर रैनी का कार्यक्रम है और भीतर रैनी के साथ साथ आज विजयादशमी भी मनाया जाता है। विजयादशमी में आपने देखा होगा कि शस्त्रों की पूजा की जाती है और आज लेकिन राज परिवार के द्वारा शस्त्र पूजा के साथ साथ अश्व पूजा भी की जाती है। तो हम राज परिवार के सदस्य कमलचंद भंजदेव जी हैं, इनसे जानेंगे कि आज की जो पूजा पाठ की परंपरा थी वो क्या थी। कमलचंद जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से बस्तर टॉकीज में। आज की जो प्रथा थी ये क्या थी, अश्व पूजा? और जी देखिए, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पूजा है क्योंकि क्या होता है, राजा का दर्शन आज ही के दिन माना जाता है। जैसे आपको पता है कि इसका जो बहुत बड़ा प्रख्यात जो कहानी आती है राम जी से, राम जी जब युद्ध करके वापस आए थे तो यही दम आया था, जिसको विजयदशमी के रूप से मनाया जाता है क्योंकि इसमें विजय प्राप्त करने के बाद वो अपने सिंहासन में वापस आए थे और वो सिंहासन में पहले वहाँ खड़ाऊ रखा जाता था, आपको ध्यान होगा राम जी का। तो उस समय पहली बार ऐसा हुआ कि राम जी वनवास के बाद जब वापस आए तो उसे विजयदशमी के रूप में मनाया गया क्योंकि उन्होंने युद्ध करके विजय करके अपने गद्दी में बैठे थे। उसी तरीके से क्योंकि राजा को विष्णु का अवतार भी माना जाता है शास्त्रों में, तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आज के दिन सभी राजघराने जितने भी देश में, सभी अपने अपने जैसे उनकी परंपराएँ हैं उस परंपराओं से वो विजयदशमी के दर्शन देते हैं जैसा हम कर रहे हैं। और महत्वपूर्ण बस्तर में एक चीज़ और जुड़ जाती है कि हमें माई दंतेश्वरी का पूजा अर्चना करना होता है, साथ में शस्त्र की पूजा की जाती है। और वो शस्त्र जो होते हैं, दो प्रकार के शस्त्र, एक तो माता के शस्त्र होते हैं जो उन्होंने उनके आभूषणों में आपने देखा होगा, त्रिशूल है, तलवारें हैं और बहुत सारे ऐसे शस्त्र हैं जो गंज वंज बहुत सारी चीज़ें जो माता की है, उसकी पूजा अर्चना करने के बाद उनका आरती दर्शन करने के उपरांत सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना, उनके शस्त्र की पूजा उपरांत मैं अपने शस्त्रों का करता हूँ, जो हमारे पूर्वजों के शस्त्र हैं उसकी पूजा होती है, जिसको हम लोग शस्त्रगाह कहते हैं, जो शस्त्रों की पूजा होती है। बहुत बड़ा शस्त्र का एक जगह बना हुआ है, उसके अंदर जाके पूजा अर्चना होती है। उसके पुनः बाद आरती होने के उपरांत मुझे करीब गद्दी में बैठना होता है उसके जस्ट बाद, तो वो बैठूंगा मैं धोती कुर्ता में एक पुजारी की हैसियत से। उसके बाद जब राज तिलक का होता है तो उसमें तिलक लगाया जाता है माता का तिलक लगने के बाद आपको वापस राजाशाही वेशभूषा जैसा आप मुझे देख रहे हैं अभी पहनने के बाद आपको अश्व की पूजा करनी होती है, क्योंकि अश्व जब लड़ाई करने राजा जाता था तो सैनिक के साथ जाता था, तो एक राजा के हिसाब से जाता था और हमेशा पहले चलता था। आपको ध्यान होगा राजा जब युद्ध होता है राजा पीछे खड़ के जो चोरी करते थे वो पीछे रहते थे, मगर जो बड़े राजपूतों के जितने भी रियासतों के राजा हैं, आप नाम ले लीजिएगा, चाहे प्रवीर महाराज का कहानी ले लीजिए, महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी का ले लीजिए, या हम लोग ने अंग्रेजों के साथ भी लड़ा, भले वो मौखिक लड़ाई थी बट हमने सामने लड़ा, जनता को पीछे रखा, मगर जब भी ऐसा कोई विवाद हुआ या कोई लड़ाई हुई तो हमेशा राजा आगे रहा। तो वही एक बहुत बड़ा ताल्लुक है कि जब हम आते हैं उसके बाद जब पूजा होती है तो अश्व में जाया करते थे, मतलब घोड़ों के ऊपर, या जाया करते थे गज में, गज मतलब हो जाता है हाथी, तो हाथी का भी इसलिए नहीं करते क्योंकि हाथी का इतने बैंड बाजा में वो थोड़ा सा अफरा तफरी मच जाएगी और तोड़ फोड़ हो जाएगा, इसलिए हाथी भी लाया जा सकता है, कोई बड़ा विषय नहीं है। बट हम कोशिश करते हैं कि अश्व ऐसा घोड़ा है जो हम रखते हैं अपने, मेरे खुद के घोड़े हैं तो इसको रखते हैं, और घोड़े बहुत ही प्यारे होते हैं और मैंने इसको बचपन से ही रखा, शौक भी रखा, बट कार्यक्रम मैंने चालू किया 2-3 साल पहले कि ये पूजा जो परंपरागत चली आ रही है। तो अश्व पूजा होने के उपरांत मैं घोड़े में, आप देखेंगे मैं विराजमान होकर के मैं बाहर तक गया था, ये एक औपचारिकता होती है कि आप अश्व को सम्मान दे रहे हैं। माई दंतेश्वरी मंदिर से मैंने रुक करके उसको प्रणाम करते हुए, घोड़े ने भी आप देखेंगे रुका और फिर उसके बाद आगे लेके जाता हूँ, ये परंपरागत चली आ रही है। ऐसा ही परंपरा आप देखेंगे बस्तर रियासत के पूरे वीडियोज़ जो मैंने हमारे परदादाओं के देखते हैं उसमें भी ऐसे ही है, जा करके पूजा अर्चना करके वापस आने के बाद गद्दी में बैठते हैं और अब से राज दर्शन चालू होगा। और हमारे बस्तर दशहरा में एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो रथ बनता है माता का, आज के दिन नया रथ चलेगा, आज का दिन नया रथ इसलिए बनाया जाता है क्योंकि माँ सुभद्रा का रथ है, रथ को वापस जीर्णोद्धार नहीं किया जाता, पुराने रथ को बंधा मतलब अब वो एब्सोल्यूट हो गया, उस रथ का कोई इस्तेमाल नहीं किया जाता, अब नया रथ में बैठाया जाएगा क्योंकि ये रथ बन के तैयार हो गया, इसलिए पुराने रथ को चलाया जाता है क्योंकि उस समय तक अभी ये तैयार होता नहीं था। तो ये एक्सपीरियंस करते हुए राजा ने बोला कि भैया अब चार मतलब पुराने जितने 6 दिन चलेंगे वो पुरानी रथ चलेगी, जो नए जो रथ हैं सुभद्रा माता का रथ बनने के बाद राजा रथारूढ़ होते हैं इस पूजा के बाद। जैसा अभी देखे राजा जन दर्शन के बाद माता को जाकर के मौली माता दोनों दर्शन करके माता रथारूढ़ होते थे, आज की आप व्यवस्था जानते हैं उसको बताने की हमें कोई ज़रूरत है नहीं। तो आज जो चीज़ें हैं थोड़ी बदली गई है बट परंपरा आज भी वही निर्वहन करते आ रहे हैं, क्योंकि फिर उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण पूजा जब वापस आते हैं तो सुहागन लोग आज रात में आएंगे, सुहागन लोग राजा की आरती उतारते ताकि उनको नज़र ना लगे, आज जो बाहर निकले अपन घूमे तो आज भी होगा वो, अच्छा। कल भी होगा दोनों जगह पे होगा, सुहागन लोग नज़र उतारेंगे। उसके बाद फिर हमारे घर की बेटी या घर की बहू या मेरी वाइफ जब आएंगी तब, तो जब भी होंगी तो वो मेरा नज़र उतारेंगे, उसके उपरांत आप
फ्री हो जाते हैं जिम्मेदारी से, उसके बाद ही आपका विश्राम होता है, फिर दूसरे दिन का आपका कार्यक्रम पता है कल के बाहर रहने के कार्यक्रम, फिर हम वैसी जो हमारे घोड़े आए थे जिनको हमने पूजा अर्चना की उनके ऊपर विराजमान होकर के हम माता दंतेश्वरी का जो छतरी आई दंतेवाड़ा से उसको लेकर के नया खाने के लिए प्रस्थान करेंगे। ये जिस सिंहासन में आप बैठे हैं इसकी भी कुछ महत्ता है, क्योंकि इसकी भी लोग पूजा कर रहे थे मैं देख रहा था जी। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका, क्योंकि ये जो गद्दी में मैं बैठा हूँ ये चल गद्दी है, ये बेसिकली मूवमेंट करती है। अच्छा। ये उठा करके जैसे राजा पहले जमाने में जैसे मैं कोई मेला में गया तो राजा का कोई गद्दी किसी में नहीं बैठ जाते थे जी, आप विशेष अगर आप संतों को देखेंगे संत भी किसी किसी कुर्सी में नहीं बैठते, तो इसी तरीके से राजा भी किसी और कुर्सी में नहीं बैठते थे उस जमाने में। मगर आज के जमाने में चीज़ें बदली है, मगर आज भी हम ये कोशिश करते हैं कि जब हम सिंहासन में बैठे तो वही गद्दी में बैठे जिसमें हमारे पूर्वज बैठते हैं, और जब भी ये कोई बड़ा कार्यक्रम होता था उसमें महाराज की गद्दी यहाँ से भेजी जाती थी, वहाँ राजा वहाँ विराजमान होते थे और पूजा पाठ करते थे, इसलिए इस गद्दी का भी महत्व है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ राजा ही बैठा करते हैं। मैं छोटा था तब से मैं बैठते आया हूँ, तो आज भी इसमें बैठ रहा हूँ, और इससे बड़ी जो हमारी गद्दी जो दरबार हॉल है उसमें काम चल रहा है, काम उपरांत होने का देखो बड़ी गद्दी भी आपको दिखेगी जो वहाँ से हटती नहीं है। अच्छा। वो स्थाई गद्दी है, वो राजतिलक की गद्दी है, जिसमें राजतिलक होने के बाद वो गद्दी वहीं रहती है, जो दूसरा राजा बनेगा राजतिलक होने के बाद उसके बाद बैठेगा, जब तक राजा रहेगा जब तक उसमें बैठेगा। जैसा मेरी राजतिलक हो गई है तो महाराजा के हैसियत से मैं बैठूंगा, बट पहले गद्दी की पूजा होगी क्योंकि गद्दी का अपना सम्मान है। जैसे आप जानते हैं मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, मुख्य एमएलए का बेटा एमएलए नहीं बन सकता, पर राजा का बेटा हमेशा राजा इसलिए बनता है क्योंकि ये माताओं का आशीर्वाद रहा है, उसके कारण पीढ़ी दर पीढ़ी राजा का बेटा राजा बनते आया है। और आज के दिन पे जरूर चेंजेस आए हैं, बट आज भी वो परंपरा आज भी बरकरार बना हुआ है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा बाबा साहब, आज मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ पता चली कि अभुजमाड़ के अंदर से कुछ देवी देवता पहुँचे हैं, लगभग 55 साल के बाद उन्होंने बताया कि आपने उन्हें फिर से बुला कर लाया, 55 साल से वो नहीं आ रहे थे। 55 सालों से नहीं आने का वजह यह था कभी उनको नेवता नहीं दिया गया, तो मैं पर्सनली वहाँ गया, तो वहाँ जाके नेवता दे करके लाया। नेवता देने के बाद आप देख रहे हैं कि जो माता आए हैं उनके साथ बहुत सारे ढोल वोल, वो कल आप उसका आनंद लेंगे, वो सब देवी देवता यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और ये मैं कह सकता हूँ कि सनातन धर्म का बहुत बड़ी पहचान है कि ऐसे देवी देवता हैं जो मैंने भी नहीं देखे हैं, मैंने कल तो दर्शन कर ही लिया आए थे तब, मगर बहुत सारे ऐसे लोगों को बहुत नया लगेगा और आप लोगों को भी कवरेज में चलेगा क्योंकि ऐसे देवी देवता है और उसमें राजाओं की घंटी बांधी गई है। हाँ। और वो राजाओं की कौन सी, आप उसमें वीडियो अगर जूम करके देखेंगे तो उसमें हमारे अन्नम देव पुरुषोत्तम देव सब राजाओं के नाम लिखे और मेरे नाम से भी यार डाल दिया गया क्योंकि अच्छा राजा से एक ही मांग करते हैं हमारे घंटी लगे, और राजा का नाम का घंटी भगवान को चढ़वाते हैं, उसकी पूरी तिथि होती है परंपरागत होती है, राजा से घंटी लेके जाते उसको बांधते हैं और वो घंटी अजीवन बंधी रहती है, अपने बच्चे भी आकर के उसको देख सकते हैं ऐसा, तो हम भी अपने पूर्वजों को देखते आ रहे हैं उसमें। अभी मैं देख रहा था कि कुछ नर्तक दल आ रहे थे, वो कुछ दूसरे तरीके के परिधान में थे, उनकी क्या कहानी है? वो कहानी ये थी कि काकतीय वंशज होने के नाते तो हमारे पास दो परंपराएं हैं यहाँ पे, तो काकतीय वंशज पहले भी आकर के यहाँ पे, आप महाराजा प्रवीरचंद बनदेव का अगर आप फोटो में देखेंगे तो उसमें लिखा है महाराजा भरत प्रवीरचंद बंजदेव काकतीय करके, तो वहाँ के भी देवी देवता अपने को मानते हैं सम्मान, वो भी आते हैं यहाँ उपस्थित होते हैं, तो उनका नृतक दल। और ये जो नृतक दल अभी आ रहा है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको हम लोग कहते हैं टेम्पल डांसेस। बेसिकली जो टेम्पल में जो आप देखे होंगे आकाकृति बनी हुई है या डिज़ाइंस बनी हुई है, लड़कियाँ नाच रही हैं ऐसे डिज़ाइंस की रहती है, उसका नाच ये प्रमोट करते हैं। और वो जो देवी आज प्रमोट करना चाह रहे हैं ये माँ भद्रकाली का है, जो वारंगल की कुल देवी थी, उनके यहाँ पे जो आकृति है उसको देव डांस करेंगे। और ये देव डांस बहुत ही प्रख्यात इसलिए होता है क्योंकि ये सिर्फ देवी के सामने किया जाता है या फिर राजा के सामने। ये कब होगा इनका? अभी होगा आज राजा के सामने, क्योंकि राजा पहन के बैठा हूँ, हर दिन नहीं कराते, ये सिर्फ राजा के सामने करते हैं, तो यही उनकी परंपरा रही और ये बहुत ही अनोखी परंपरा है जो आपको देखने मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा साहब आपका। तो ये राज परिवार के सदस्य कमलचंद भंजदेव हैं और वारंगल से कुछ नृतक दल भी यहाँ पे पहुँचा हुआ है जो यहाँ पे एक अलग परंपरा को आपको दिखाएगा। किसी भी परंपरा को बचाकर रखना उसके मुखिया का दायित्व होता है। कमलचंद भंजदेव हैं, राज परिवार के सदस्य हैं और मैं देख रहा हूँ कि दशहरे की बहुत सारी पद्धतियों को इन्होंने सहज के रखा है और दिन प्रतिदिन इसे और भी ज़्यादा फिर से वैभवशाली, जिस तरह से 600 वर्ष पूर्व जिस तरह से बस्तर के दशहरे को शुरुआत किया गया था, जिस तरह से कोशिश की गई थी कि इस दशहरे की एक जो महिमा है वो बनी रहे, इस दशहरे की जो विशालता है वो बनी रहे, उसे फिर से अपने वास्तविक रूप रंग में लाने की कोशिश में बस्तर परिवार के सदस्य कमलचंद भंजदेव हैं। और यही वजह है कि आज 55 साल के बाद एक बार फिर से अभुजमाड़ के अंदर से कई देवी देवता जिन्हें मावली माता भी कहा जाता है उन्होंने फिर से बस्तर दशहरा में शिरकत किया है। आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे वारंगल के नृतकों की। अगर आपको ये वीडियो ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।